हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर पर। इस चैनल के थ्रू बच्चों मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे से समझाऊं। अगर आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, मुझे बताता है कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ करूंगा और आपको कमिट करता हूँ कि उसको रिजॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। आपको कोई भी डाउट है उसको पूरी तरह रिजॉल्व करूंगा। चलिए बच्चों, तो आगे शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में ये हमारा छठा लेक्चर है। पांच लेक्चर में हम कहां तक पहुंच गए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक आ गए थे। अब बात करते हैं आगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे बोहर एटॉमिक मॉडल पे। बोहर ने किस तरह से उस पर एटॉमिक मॉडल हमारे पास आया, जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बातें हुई, उसके बाद सारी चीजों को उसने जोड़ते हुए मैक्सवेल की थ्योरी को भी उसने पढ़ा, उसने हमारे पार्टिकल नेचर को भी पढ़ा, उसने प्लैंक्स थ्योरी पढ़ी, उसने आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन पढ़ी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, और उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा आता है। इन सब चीजों को जोड़ने के बाद उसने जो अपना बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक, पहली चीज है इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या चीज होती है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक रेडिएशन का सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई सोर्स है, कोई रेडिएशन का सोर्स है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं। सपोज लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर, लैम्डा फाइव, इस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई सोर्स है, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल लिया अपने पास। ठीक है, जब वो एटम पे पड़ी, किसी एटम पे पड़ी, तो वो एटम क्या करता है, एटम क्या करता है, उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को निकाल देगा, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को निकाल देगा। सपोज मैं मानता हूं कि उसने ये लैम्डा फोर और लैम्डा फाइव उसने एब्जॉर्ब कर लिया हमारे पास जी, लैम्डा फोर और लैम्डा फाइव उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये लैम्डा वन उसने बाहर निकाल दी, लैम्डा टू उसने बाहर निकाल दी, लैम्डा थ्री भी उसने बाहर निकाल दी। ठीक है, जब इसको मैं ग्राफ के ऊपर देखूंगा, अगर मैं इसको ग्राफ के ऊपर देखूंगा तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा लैम्डा वन पे जी ग्राफ एक आएगा, लैम्डा टू पे आएगा और लैम्डा थ्री पे आएगा। ठीक है, चार और पांच, अगर यहां पे मैं वेवलेंथ को प्लॉट करूं, इस एक्सिस पे अगर मैं वेवलेंथ को प्लॉट करूं, तो यहां पे लैम्डा वन आएगा, यहां लैम्डा टू आएगा, यहां लैम्डा थ्री आएगा, लैम्डा फोर और लैम्डा फाइव को एब्जॉर्ब कर चुका है, लैम्डा फोर और लैम्डा फाइव उस एटम में एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया, किस चीज को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हुआ, वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में, वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में, वही एटम चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब जब एक्साइटेड स्टेट से उसको वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आना है, तो वो कैसे आएगा, हमें पता है प्लैंक्स ने कहा था कि जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एनर्जी है, उसमें दो एनर्जी, दो वेवलेंथ की एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, लैम्डा फोर और लैम्डा फाइव, लैम्डा फोर और लैम्डा फाइव की एनर्जी जब उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो एब्जॉर्ब करने का तो चला गया एक्साइटेड स्टेट में। जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे जाएगा, तो वो कैसे जा सकता है, जो उसने एब्जॉर्ब किया उसको बाहर फेंक दे, जो उसने अब्सॉर्ब किया है उसको बाहर फेंक दे। तो जब उसने अपनी लैम्डा फोर और लैम्डा फाइव बाहर फेंक दी, तो वापस वो चला गया अपनी ग्राउंड स्टेट में और उसने कर दी एमिट, लैम्डा फोर और लैम्डा फाइव उसने कर दी एमिट। तो उसका ग्राफ किस तरह से आएगा, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि लैम्डा फोर पे दिखाएगा और लैम्डा फाइव पे दिखाएगा, लैम्डा वन टू थ्री पे नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास थी नहीं, उसके पास सिर्फ चार और पांच उसने एब्जॉर्ब की थी। ये बात क्लियर बच्चों। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रा। यहां पे अब्सॉर्ब क्या हुआ था उसको देखने के लिए हम कहते हैं अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसको हम कहते हैं अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जो उसने एमिट किया है उसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, अब्सॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा हमेशा एक दूसरे के टोटली अपोजिट होंगे, कि जो उसने अब्सॉर्ब किया ही नहीं वो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे आ गया, जो उसने एमिट किया वो उसके एमिशन स्पेक्ट्रा पे आ गया, तो दोनों आपस में टोटली अपोजिट होंगे। और हर एलिमेंट का ये यूनिक होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रा है, चाहे अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है चाहे एमिशन स्पेक्ट्रा है, वो यूनिक होगा, यूनिक होगा। और इस पूरी स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पूरी स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पूरी स्टडी को बच्चों हम कहते हैं
स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहां तक बात क्लियर, समझ आ गई, सिंपल सी बात थी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या चीज होती है। जब भी किसी एटम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे तो वो कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा, कुछ को एमिट कर देगा। जो उसने अब्सॉर्ब किया वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइट करने के बाद जो वापस छोड़ेगा वो उसका एमिशन स्पेक्ट्रा है, जो पहले वाला है वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर, किसी को कोई डाउट, यहां तक बात होगी क्लियर। ठीक है, अब हमें ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारे पास स्पेक्ट्रा था, और हर एलिमेंट का एक यूनिक स्पेक्ट्रा होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, एमिशन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हर एलिमेंट का यूनिक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे। तो बच्चों अब तक तो हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझ लिया क्या होता है, किसी एटम का किसी एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, उसका एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अब साइंटिस्ट ने इस चीज को आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले सबसे सिंपल एटम कौन सा है, कि कोई भी एलिमेंट का सबसे हमारा सबसे सिंपल एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखते हुए सबसे पहले बाल्मर ने बताई एक चीज देखी, कि बाल्मर ने कहा कि अगर मैं एक वैल्यू दूं, यह है हमारे पास वेव नंबर, वेव नंबर इक्वल्स टू 109677 अपॉन 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर सेंटीमीटर इनवर्स। उसने कहा कि अगर कोई भी जो अगर ये क्या है वेव नंबर, अगर मैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की बात करूं, अगर मैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की बात करूं और अगर मैं उसके वेव नंबर में उसको प्लॉट करूं, पहले हमने किसमें बात की थी वेवलेंथ में, वेवलेंथ और वेव नंबर क्या है अपोजिट, 1/λ क्या होता है वेव नंबर, 1/वेवलेंथ होती है वेव नंबर। अगर मैं उसको वेव नंबर में प्लॉट करूं, ठीक है, और उसने एक सीरीज दी कि अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं 109677 टू स्क्वायर और एन की वैल्यू टू के बाद कुछ भी 3, 4, 5, 6 आगे तक कुछ भी, ठीक है, तो तीन नंबर डालने पे जो पहली लाइन आएगी वेव नंबर की जो ग्राफ पे पहला नंबर आएगा, ठीक है, 4 पे कुछ और आएगा 5 पे कुछ और आएगा, तो वो सारा का सारा विजिबल रीजन में आता है, सारा का सारा विजिबल रीजन में आता है। कहने का मतलब क्या है कि जो वेव नंबर है वो विजिबल रीजन के अंदर आता है। विजिबल रीजन क्या है हमारे पास, वेवलेंथ की टर्म में 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ठीक है। अगर मैं इस वेव लैम्डा को वेव नंबर में कन्वर्ट करूं तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्स आती है 13,300 से 25,000 पर सेंटीमीटर इनवर्स। तो उसने कहा कि जिसने पहली स्टडी थी कि उसने कहा कि वेव नंबर अगर मैं ये वाली सीरीज लेता हूं 10 ये वाला फॉर्मूला रखता हूं 109677 टू स्क्वायर, इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज करो 3, 4, 5, 6 तीन डालने पे जो लाइन आएगी, 4 डालने पे जो लाइन आएगी, 5 डालने पे जो वेव नंबर का नंबर आएगा, उसको अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं ग्राफ में प्लॉट करूं 13,300 लेके 25,000 के बीच में विजिबल रीजन है वेव नंबर का, तो अगर मैं इसको 3 डालता हूं जो लाइन आएगी, 4 डालने पे जो लाइन आएगी, 5 डालने पे जो लाइन आएगी, वो लाइन इस तरह से आती है कि वो सारी की सारी विजिबल रीजन का जो वेव नंबर है वहां पे आती है। तो ये पहली स्टडी थी बाल्मर की, ठीक है। उसके बाद अगले साइंटिस्ट हमारे पास है रिडबर्ग। उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो विजिबल रीजन में आती है, पर जो वेव नंबर है उसकी तरह और भी सीरीज लाइन की सीरीज बन सकती हैं। 109677 और उसने उसको दिया 1/n1² - 1/n2² सेंटीमीटर इनवर्स। ये बात कही रिडबर्ग ने। रिडबर्ग ने कहा कि n1 कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, ठीक है, और n2 क्या होगा, n2 हमेशा n1+1 से शुरू होगा, n+1 से शुरू होगा और आगे चलता जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या था, अगर n1 1 है तो ये 2 से शुरू होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर ये n1 2 है तो ये 3, ये पूरा बाल्मर सीरीज रहेगी 3, 4, 5, 6, 7, अगर ये 3 है तो 4, 5, 6, 7 इस तरह से आगे चलेगा, ये कहा रिडबर्ग ने। और इस टर्म को हमने नाम दे दिया रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह से उनको ये चीजें आ गई, ठीक है। इसमें खास चीजें क्या थी, जो स्पेक्ट्रा आ रहा था इसमें खास चीजें बच्चों क्या आ रही थी, खास चीजें इसमें ये आ रही थी कि वेव कंटिन्यू फॉर्म में नहीं दिख रही थी, एक लाइन की फॉर्म में दिख रही, डिस्क्रीट लाइन में दिख रही, डिसकंटिन्यूअस दिख रही थी, एक लाइन पहले बनी, दूसरी लाइन फिर बनी, तीसरी लाइन बनी, चौथी लाइन बनी, वेव नंबर पे इस तरह से आ रही थी।
कॉन्टिन्यूस वेव की फॉर्म में नहीं आ रहा था स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा आ रहा था लाइन की फॉर्म में। इतने वेव नंबर पे एक लाइन आ रही है, दूसरे पे इतनी लाइन आ रही है, तीसरे पे ये आ रही है, चौथे पे ये आ रही है। ठीक है, ये बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास रेडवर्क ने हमारे पास क्या दी, रेडवर्क ने हमारे पास ये क्वेश्चन दी कि वेव नंबर 109677 इनटू ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ विजिबल रीजन के लिए नहीं है। अगर हम n1 की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, n1 की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, और n2 की वैल्यू उससे एक ज्यादा से शुरू करनी है हमें, एक n2 की वैल्यू उसकी एक तरह से ज्यादा से शुरू करनी है, और उसके बेसिस पे अलग अलग सीरीज हमारे पास आई। पहली आई लाइमन सीरीज, अगर n1 को हम 1 मान के चल रहे हैं तो n2 क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसका जो स्पेक्ट्रा आता है वो यूवी रीजन के अंदर आता है, यूवी रीजन के अंदर उसका स्पेक्ट्रा आता है, 200 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाला जो एरिया है वो है यूवी रीजन का। ठीक है, बालमर हमने पढ़ ही लिया कि बालमर अगर n1 को उसने 2 रखा तो आगे 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आगे बढ़ते तो जो स्पेक्ट्रा बनता है विजिबल रीजन में, और पास्टन ब्रैकेट और फोन भी उसी तरह से IR रीजन में हमारे पास स्पेक्ट्रा देते हैं। अगर वेव नंबर पे प्लॉट किया जाए कि किस पॉइंट पे किस वेव नंबर पे आ रही है तो जो IR रीजन का जो वेव नंबर आएगा उस पर इन तीनों आएंगे, ये यूवी रीजन पे आएगा और ये विजिबल रीजन पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें से एक चीज सबसे जो खास बात ये थी कि जो स्पेक्ट्रा हमारे पास आ रहा था वो लाइन की फॉर्म में क्यों आ रहा था, वेव की फॉर्म में क्यों नहीं आ रहा था, लाइन की फॉर्म में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरह से क्यों आ रहा था वेव नंबर पे इसको प्लॉट किया था। तो ठीक है, ये एक खास बात आ रही थी लाइन स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन का, जो साइंटिस्ट देख रहे थे उसको किस तरह से करने थे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर बच्चों। बच्चों अब आगे देखते हैं, यहां तक हमारी बात लाइन स्पेक्ट्रा की क्लियर होगी। अब हमारे मेन बैट्समैन की एंट्री होती है, पिक्चर के मेन हीरो की एंट्री होती है, बोवर साहब की, जो पिक्चर के मेन हीरो हैं अब वो एंट्री लेते हैं सारी चीजों को लेके। उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, बहुत सारा कुछ देख लिया, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अब वो कहते हैं कि हाँ जी अब मैं पूरी तरह से टेक्निकली साउंड हूं, अब मैं बैटिंग करने के लिए अब आऊंगा, अब मैं हिटिंग बताऊंगा कि कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या चीज क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने जो लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का था उसको उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया, उन्होंने पहली चीज ही बोली, उन्होंने पहली चीज बोली कि जब तक आप एक एटम को अपने आप उसको वेव नेचर में चलेंगे तब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जो डिस्क्रीट जो एनर्जियां, डिस्क्रीट जो वेव नेचर आ रहा है, डिस्क्रीट जो वेव आ रही है, नंबर डिस्क्रीट में आ रहा है, एक कॉन्टिन्यूस वेव में नहीं आ रहा है, सबसे पहली चीज है कि हुआ क्यों। तो उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जिसको एनर्जी दी गई वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, और जो वो एनर्जी है जब तक उसको आप वेव नेचर मान के चलोगे तब तक आप इस चीज को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, तब तक आप इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है उसको मानना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ये चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। हर चीज उसने अब रिलेट कर दी, उसने मैक्सवेल भी पढ़ा, उसने प्लैंक भी पढ़ा, और अब उसने लाइन स्पेक्ट्रा भी पढ़ा, और उसको अब उसने अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन तैयार कर दी। उसने क्या कहा, उसने कहा पहली चीज कि भाई साहब न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में उसके चारों तरफ घूमते हैं। यहां पर उसने मैक्सवेल की थ्योरी को कहा कि मैक्सवेल की थ्योरी से हम उसको नहीं कर सकते, हम इसे प्लैंक की थ्योरी से लेकर चलेंगे, और हर सर्कुलर उसको उसने कहा ऑर्बिट, उसको उसने नाम दिया ऑर्बिट का, हर उसको उसने नाम दिया ऑर्बिट का। ठीक है, और उसने कहा कि जब उस ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी और रेडियस फिक्स रहेगा, फिक्स रेडियस और एनर्जी रहेगी, फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी रहेगी, और हर इस तरह से ऑर्बिट होती है किसी भी न्यूक्लियस के आसपास। जब इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, किसकी फॉर्म में, एच म्यू की फॉर्म में। वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, हाई स्टेट में जाता है, जब एनर्जी रिलीज करता है वापस अपनी स्टेट में आ जाता है। इस तरह से उसने कहा कि ये तरीका होता है, ये एक तरीका है, इसको क्वांटम थ्योरी मान के चलेंगे आप। तो इसने इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया। अगली चीज उसने क्या कही, देखिए समझिएगा इस चीज को, अगली चीज उसने क्या कही कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन है अपनी ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, ईवन फॉर्म, उसके पास ईवन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अपनी ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, बाहर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्लैंक्स ने उसको कैसे डिफाइन किया था, एच म्यू। ठीक है, ये बात क्लियर, ई इक्वल्स टू एच म्यू, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है एच म्यू। जब इसने ग्राउंड स्टेट से अपनी ई1 में था, इसने जब एनर्जी अब्सॉर्ब की तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में ई2,
ई टू उसके पास एनर्जी आ गई। इन दोनों की एनर्जी के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, जितना उसने अब्सॉर्ब किया है। ई टू और ई वन के बीच की एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ, जितना उसने अब्सॉर्ब किया है। इसने अब्सॉर्ब क्या किया है, एच म्यू इसने अब्सॉर्ब किया है। तो जो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा या ई टू माइनस ई वन दैट विल बी इक्वल टू एच म्यू, दैट विल बी इक्वल टू एच म्यू। ई टू माइनस ई वन इक्वल टू एच म्यू, समझ में आ गई बात। और यहां से उसने म्यू निकाल दिया, ई टू माइनस ई वन अपॉन एच, बात क्लियर। इसको हम कहते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी। इसको हम कहते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात थी, उसने कहा कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की। एनर्जी किस फॉर्म में अब्सॉर्ब की, उसने एच म्यू के फॉर्म में अब्सॉर्ब की। क्वांटम था वो, एनर्जी का क्वांटम एक उसने अब्सॉर्ब किया। क्वांटम जब उसने अब्सॉर्ब किया तो उसमें एनर्जी आ गई, ई टू में चला गया। दोनों के बीच का डिफरेंस एच म्यू है, एच म्यू उसने प्लैंक के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। म्यू जो बोर फ्रीक्वेंसी उनका की, जो उस रेडिएशन जो उसने अब्सॉर्ब किया उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ई टू माइनस ई वन अपॉन एच। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर। अब उसने अगली बात एक और क्या कही, उसने अगली एक और बात क्या कही, बच्चों उसने एक अगली बात ये कही कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जब उसकी एक किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है mvr, मास वेलोसिटी और रेडियस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो mvr है वो हमेशा n डॉट h अपॉन 2π, n अपॉन n डॉट h अपॉन 2π फॉर्म में रहेगा। एन यहां पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। मतलब ग्राउंड फॉर्म, ग्राउंड अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, एच अपॉन 2π। सेकंड स्टेट में जाएगा तो क्या, एन क्या हो जाएगा, 1 2 × h/2π। थर्ड में जाएगा तो 3 × h/2π। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी क्वांटाइज्ड है। ठीक है, ये बात उसने अगली बोली कि h अपॉन 2π जो है वो हर किसी का एक फिक्स है, उसके मल्टीपल फॉर्म में ही 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऑर्बिट के हिसाब से ही एंगुलर मोमेंटम रहेगा इलेक्ट्रॉन का। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, ये बात क्लियर बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को डाउट? ठीक है, तो ये बोहर की एक्सप्लेनेशन थी, जब उसने सब कुछ पढ़ने के बाद ये चीज उसने दी, mvr इक्वल्स टू m डॉट h अपॉन 2π। ठीक है, अब उसने अपना मॉडल किस तरह से दिया, अब उसके मॉडल की बात करते हैं, उसके मॉडल किस तरह से उसने दिया अपना। तो यहां तक बात क्लियर, हमें पता चल गया अब तक बोहर ने हमें क्या क्या चीजें बताई। बोहर ने पहली चीज कही लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने के बाद, उन्होंने पहली चीज कही कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के सर्कुलर उसके घूमते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं, वहां पर उसकी एनर्जी और रेडियस फिक्स रहता है जो क्वांटाइज है। जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में उसको जाना है तो उसको एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। एनर्जी किस फॉर्म में वो अब्सॉर्ब करता है, एच म्यू की फॉर्म में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यहां तक बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है जी। और उसने पहली चीज उसने कही कि जो हर स्टेशनरी ऑर्बिट है, हर स्टेशनरी जो उसकी ऑर्बिट है उसको उसने नाम दे दिया n। ठीक है, n की कुछ ही वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से उसने एक नाम दिया n। पहले ऑर्बिट को उसने बोला 1, दूसरी को उसने बोला 2, तीसरी को 3, चौथी को 4, पांचवी को 5, और इस n को नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है कि उसकी मेन ऑर्बिट कौन सी है, उसकी मेन ऑर्बिट कौन सी है, उस इलेक्ट्रॉन की मेन ऑर्बिट कौन सी है, ये उसने यहां से हमें दिया। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कुछ भी डाउट है नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। उसने दूसरी चीज हमारे पास क्या कही, दूसरी चीज उसने हमारे पास कही कि जो हाइड्रोजन एटम है, जो हाइड्रोजन का एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन जो है, उस इलेक्ट्रॉन के किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो उसका होगा n स्क्वायर अल्फा। n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब वो कौन सी ऑर्बिट में लाई करता है। पहली ऑर्बिट है तो 1 आ जाएगा, दूसरी ऑर्बिट है तो 2 आ जाएगा, तीसरी ऑर्बिट है 3 आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू उसने दी 52.9 पिकोमीटर। ठीक है बच्चों, तीसरी चीज उसने बोली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी चीज, सबसे खास चीज उसने बोली, उसने हर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है वो उसने कैलकुलेट करके दे दी हमें। हर ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है,
किसी भी ऑर्बिट में उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है वो उसने कैलकुलेट करके दी, माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। एन हमारे पास वो ऑर्बिट है जहां पे वो लाई करता है। आर एच की वैल्यू उसने कही 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल्स, इसको भी उसने कहा रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। रिडबर्ग कॉन्स्टेंट ये उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी, किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एटम में, इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है वो किस ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट में उसके पास कितनी एनर्जी है, वो आर एच बाई एन स्क्वायर माइनस आर एच बाई एन स्क्वायर। एन किस ऑर्बिट में है और आर एच उसका रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट मुझे कॉन्स्टेंट का 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल। यहां से इसने बहुत अच्छी चीज हमारे पास निकाल के दी, मैथमेटिकली उसने कैलकुलेट करके दी ये चीज, ठीक है। और सिमिलरली उसने कहा कि जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन से हुए, जैसे लिथियम प्लस या हीलियम 2 पॉजिटिव या बेरिलियम 3 पॉजिटिव, जिनके पास एक ही एटम है, जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी जितना एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, इन आयनिक स्पीसीज के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। लिथियम के पास दो होते हैं, जब उसने एक दे दिया पॉजिटिव चार्ज आया तो लिथियम, हीलियम के पास दो थे उसने दो पॉजिटिव दे तो एक, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। उसने कहा कि जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं उनका जो रेडियस होगा वो आएगा एन स्क्वायर अल्फा बाई जेड, ठीक है। सिमिलरली जेड है उसका एटॉमिक नंबर, उस एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो उसका ये आएगा, ठीक है। और जो उसकी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पर ऑर्बिट में, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उसके लिए उसने बोला z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इनटू रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर, किसी को डाउट यहां तक, ठीक है। यहां तक उसने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हमें बता दी। उसने कहा कि क्या कहा उसने, एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, हर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी फिक्स है, क्वांटाइज्ड है, और दूसरे ऑर्बिट पर जाने के लिए उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो दूसरे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जब वहां से वापस वो आएगा तो वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और जो ये एनर्जी बीच में अब्सॉर्ब हुई है और जो ये हुई है यही हम स्पेक्ट्रम में उसने प्लॉट की, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में ये चीजें प्लॉट हुई है, रियल नंबर उस तरह से वहां पे प्लॉट हुआ है। तो इस तरह से उसने पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का वो किस तरह से होता है, क्योंकि जब उसको एनर्जी को हमने क्वांटाइज्ड माना, प्लैंक की थ्योरी को हमने एक्सेप्ट करके माना कि हाँ जब ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो क्वांटाइज्ड एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और क्वांटाइज्ड एनर्जी बाहर निकालता है, ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर। आगे देखते हैं आप इसके बाद कि जो इसने अभी तक एक्सप्लेनेशन की थी उसको मैथमेटिकली उसने जो लाइन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन को उसको किस तरह से रिलेट किया उसको एक चीज देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं कि जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम था और जो बोहर की एटॉमिक कैलकुलेशन थी, मॉडल की जो कैलकुलेशन थी, उनमें क्या रिलेशन है, वो किस तरह रिलेट करते हैं, उस चीज को एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार समझेंगे तो आप समझेंगे हाँ ठीक है जी भाई, वो बातें ठीक कर रहा था, जो हाइड्रोजन की जो एटम के ऊपर उसने सारी कैलकुलेशन करके दी है वो सारी ठीक करके दी है। देखिए कैसे देखते हैं, अब मैंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन E1 फॉर्म E1 में है, जब उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की तो वो E2 में चला गया, ठीक है, ये बात कही। एनर्जी उसने किस फॉर्म में अब्सॉर्ब की, एच म्यू के फॉर्म में उसने अब्सॉर्ब की, एच म्यू के फॉर्म में उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की, ठीक है, यहां तक बात क्लियर, ठीक है जी। जब वो E1 में होगा तो वो N1 ऑर्बिट में होगा, E2 में अब्सॉर्ब करने के बाद वो N2 ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। अब चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है, डेल्टा ई क्या होगा हमारे पास, E2 - E1, ठीक है, और क्या उसने अब्सॉर्ब किया है, H=Hμ, सिंपल है बात, क्लियर, ठीक है। या मैं इसको इस तरह से लिख दूं, Hμ = E2 - E1, कोई दिक्कत नहीं है हमें, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, कुछ भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको दिक्कत आती है। अब उसने एक चीज और कही थी, उसने कहा था कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या है वो भी उसने कैलकुलेट करके दी थी हमें, पर जैसे सपोज E2 में वो N2 ऑर्बिटल में था और E1 में वो N1 ऑर्बिटल में था, तो E2 के लिए उसने क्या फॉर्मूला दिया था, -RH/(N2²) माइनस, यहां माइनस आ गया, -RH/(N1²), ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेल्टा ई।
हर पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी दी थी हमें कैलकुलेट करके माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर सेकंड पोजीशन पे एन टू और फर्स्ट पे ऑर्बिटल होता है एन वन स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हमारे पास क्या आया आर एच एन वन स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन एन टू स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर, किसी को डाउट? यहां तक बात क्लियर बच्चों? ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है एच म्यू म्यू एच और म्यू म्यू हमें पता है म्यू क्या होता है। अगर मैं ये रखू सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, लैम्डा को हम लिख सकते हैं वन बाई वेव नंबर, वन बाई वेव नंबर, बात करिए वन बाई वेव नंबर, और म्यू को हम क्या लिख सकते हैं सी इंटू वेव नंबर। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं म्यू की जगह पे एच सी वेव नंबर, यहां तक किसी कोई दिक्कत? एच म्यू की जगह मैं लिख दिया एच सी इंटू वेव नंबर, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब ये हमारे पास आ गया जी एक्सप्रेशन एच सी वेव नंबर इक्वल्स टू आर एच बाहर कॉमन वन बाई एन वन स्क्वेयर माइनस एन टू स्क्वेयर। यहां तक बात क्लियर? या तो इसको आप डेल्टा ई बोल लीजिए, एच सी म्यू बोल लीजिए, एक ही चीज है। तो वेव नंबर की फॉर्म में क्या आएगा, वेव नंबर की फॉर्म में आएगा आर एच अपॉन एच सी और वन बाई एन वन स्क्वेयर माइनस वन बाई एन टू स्क्वेयर, ठीक है। जब इस तीनों कॉन्स्टेंट है तीनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो ये आई 1.09677 इंटू 10^7 वन बाई एन वन स्क्वेयर माइनस वन बाई एन टू स्क्वेयर पर मीटर, जो सेम है जो रिडबर्ग ने कैलकुलेट करके दी थी हमें, जो सेम है जो रिडबर्ग ने कैलकुलेट की थी। तो दोनों की कैलकुलेशन सेम है, दोनों की कैलकुलेशन हमारे पास सेम है। तो इस तरह से हमारे पास एटॉमिक मॉडल जो है बोहर का थोड़ा सा एक्सेप्टेबल मॉडल है। अब इसमें कुछ चीजें हैं ड्रॉबैक क्या है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, पर यहां तक एक चीज तो पक्का उसने क्लियर कर दी कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड होती है। जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, एचम्यू की फॉर्म में अब्सॉर्ब करता है, और जितनी एचम्यू जिस फॉर्म में अब्सॉर्ब करता है उतनी वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स होता है, क्वांटम होता है, क्वांटाइज्ड होता है, हर ऑर्बिट के अंदर फिक्स होता है, एन इंटू एच अपॉन टू पाई वन उसके मल्टीपल में ही चलेगा। प्लस उसने रेडियस कैलकुलेट करके दिया, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी वो उसने कैलकुलेट करके दी, ठीक है बच्चों। ये बात क्लियर, यहां तक हमारी बात क्लियर होगी। अब देखते हैं उसके ड्रॉबैक क्या थे, बोहर के मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं कि बोहर के मॉडल के हमारे पास ड्रॉबैक क्या थे। पहला ड्रॉबैक ये था कि जो बड़े एटम थे बिगर एटम थे उनकी स्टडी नहीं थी इसमें, तो बिगर एटम को वो डिफाइन नहीं कर पा रहा था, बिगर एटम का स्पेक्ट्रा या कुछ भी उनकी स्टडी उसकी स्टडी में इंक्लूड नहीं थी। उसने सारी की सारी जो कैलकुलेशन थी वो हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रा के बेस पे की थी, तो बिगर एटम की कोई भी कैलकुलेशन उसने अपने इसमें इन्वॉल्व नहीं की थी। तो ये पहला उसका सबसे पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि जब भी कोई सपोज ये स्पेक्ट्रा है, ठीक है, कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की बात करूं, वेव नंबर पे अगर मैंने इसको प्लॉट किया हुआ है, वेव नंबर में इसको प्लॉट किया हुआ है, किसी पर्टिकुलर वेव नंबर पे एक लाइन आ रही है, पर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही है, तो ये स्पेक्ट्रा जो लाइन है वो टूट जा रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। इसको नाम था ज़ीमन इफेक्ट, इसको नाम दिया गया ज़ीमन इफेक्ट। ये इस ज़ीमन इफेक्ट को डिफाइन नहीं कर पाया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई तो भी ये स्पेक्ट्रा टूट रहा था, तो भी वेव नंबर दो तीन में टूट रहे थे, उसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। इसको भी वो डिफाइन नहीं कर पाया, इसको भी वो डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है। और तीसरी चीज उसने अपने एटॉमिक मॉडल में एक चीज तो बोली ही नहीं कि एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल किस तरह से बनते हैं। ये तीन मेजर ड्रॉबैक थे बोहर के मॉडल के, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि अब और कौन से एडवांसमेंट हुई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो हमारा आज तक एक्सेप्टेबल मॉडल है उसकी तरफ हम किस तरह एडवांस हुए, वो किस तरह से हमारे पास आया, उसकी क्या प्रॉपर्टी थी, कैलकुलेशन किस तरह से हुई, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं पूरी कोशिश के साथ दिल से आपको कमिट करता हूं कि मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको अगर मेरे साथ जुड़ने में अच्छा लगा है, सच में लेक्चर में थोड़ा सा भी आपको ज्ञान मिला है, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू।